नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर में सुर्खी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने सिद्ध पीठ ज्वाला देवी मंदिर पहुंचकर चुनाव अभियान का किया आगाज। सागर सुर्खी क्षेत्र की पूर्व विधायक पारुल साहू केसरी ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ क्षेत्र के जालंधर ग्राम में स्थापित सिद्ध पीठ ज्वाला देवी मंदिर पहुंचकर अपने चुनाव अभियान का आगाज किया। उन्होंने ज्वाला माई की पूजा अर्चना करते हुए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को और अहंकार से मुक्त कराने के लिए शक्ति का वरदान मांगा। बाद में उन्होंने आसपास के कई ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर क्षेत्रीय जनता से मुलाकात की। उनके पहुंचने पर ग्रामीणजनों ने गर्मजोशी के साथ उनका जगह जगह स्वागत किया। अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने लोकतंत्र को बेचकर पूरे सुर्खी क्षेत्र को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि सुर्खी के स्वाभिमान के लिए मैं ही कांग्रेस पार्टी में वापस लौटी हूँ। अब क्षेत्र की जनता ऐसे धोखेबाज लोगों को सबक सिखाएं और कांग्रेस को एक बार फिर से जिताकर सुर्खी के माथे पर लगे कलंक को साफ करें। उनके साथ कमलनाथ सरकार के मंत्री रहे विधायक हर्ष यादव, वरिष्ठ नेता सिंह बुंदेला, अमित राम दुबे, ICC सदस्य भूपेंद्र मोहसा सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं युवक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।